आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो 400 से भी ज्यादा दिन समुद्र में फंसा रहा था और 14 महीने तक लगातार पैसिफिक ओशन में रहने के बाद ये इंसान जब धरती पर आता है तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। लेकिन इसी के बाद ही इस इंसान के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके बाद इसको सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और साथ ही इस इंसान ने कैसे 14 महीने लगातार पैसिफिक ओशन के अंदर सर्वाइव कर लिया, जहां पर एक दिन भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल माना जाता है क्योंकि इस इंसान के पास कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं था। लेकिन इन सब चीजों के बारे में जानने से पहले हम लोग इस इंसान के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार इसका नाम क्या था, क्या करता था, कौन था और कहां रहता था। देखो, ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी धरती पर कोई सबसे बड़ी चीज है तो वो है ओशियन। देखो, पैसिफिक ओशियन इतना ज्यादा बड़ा है कि जो कि हमारी धरती का 71% से भी अधिक हिस्से को कवर करता है और इसके सामने जो हमारी धरती की लैंड है वो बहुत कम लगती है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर कोई पैसिफिक ओशियन में फंस जाता है तो उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल माना जाता है क्योंकि यहाँ पर खाने पीने का कोई भी सामान मौजूद नहीं होता। और इसके बावजूद इस इंसान ने 400 से भी अधिक दिन पैसिफिक ओशियन में बिता दिए और 14 महीने तक लगातार जिंदा रहा। उसके बाद आने के बाद एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर देता है। और साथ ही इस धरती पर ऐसे हजारों आइलैंड मौजूद है जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे भी आइलैंड है जहां पर लोगों का जाना सख्त मना है। अगर आप कहीं एक ऐसे आइलैंड में फंस जाते हैं जहां पर आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है जो कि आपकी मदद कर सके, कि रहने के लिए सिर्फ एक बोट ही मौजूद है जो कि आप लोग समुद्र के बीचों बीच में फंस चुके हो। और ये कहानी है 17 नवंबर 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव से जोसेफ सल्वाडोर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाता है और इस काम में मदद करने के लिए उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम था अलवा गेरा। लेकिन जोसेफ ने मछली पकड़ने में अपने दोस्त की तरह महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन इस काम को निखारने के लिए वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चला जाता है। जोसेफ का जो फ्रेंड था अलवा गेरा, उसके हिसाब से मछली पकड़ने का ये सफर एक दिन तक चलने वाला था और इस दौरान दोनों ने ब्लैक टिक शार्क और जेलीफिश मछली पकड़ने की योजना बनाई थी और अभी तक सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा था। लेकिन इसी दौरान वहां पर एक खतरनाक तूफान दस्तक दे देता है जो कि भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण, और इस तूफान से लोगों को खतरे के बारे में पता लग जाता है। लेकिन ये लोग अपने इंजन वाली बोट के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं और इस तूफान में लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं, जिसके बाद ये लोग तूफान में बहकर आगे चले जाते हैं। इस दौरान ये लोग जिस रेडियो से मदद ले सकते थे वो भी नष्ट हो गया था और इनकी बोट में वजन बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि इनकी बोट में 500 किलोग्राम वजन मछली लदी हुई। और इस बोट को डूबने से बचाने के लिए इन लोगों ने सभी मछली को समुद्र में फेंक दिया था। इसी के साथ ही इन लोगों के पास कोई भी खाने पीने का सामान नहीं था और ना ही कोई रोशनी थी और ना मदद मांगने के लिए कोई ऐसा उपकरण था जिससे लोग मदद मांग सके। और ऐसे हालातों में इन लोगों की नाव समुद्र में बहते चली जा रही थी। इनके पास कोई भी खाने पीने का सामान नहीं था और ये लोग अपनी भूख मिटाने के लिए समुद्र में मछली, केकड़े और कछुए पकड़कर उनका कच्चा मांस खाकर गुजारा कर रहे थे। और इनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था तो इन लोगों ने बारिश के पानी को सहारा लिया और उससे अपनी प्यास बुझाई। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब इन लोगों के पास पीने का पानी खत्म हो गया था और इस सिचुएशन में जोसेफ के फ्रेंड अलवा गेरा ने कछुए के ब्लड और यूरिन को पीकर अपनी प्यास बुझाई थी। और इसी के 4 महीने बाद जोसेफ के फ्रेंड अलवा गेरा ने कच्चा मांस खाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो भुखमरी का शिकार हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। और इन हालातों में जोसेफ अकेला पड़ गया था और लगातार अपने दोस्त की लाश से 6 दिन बात करता रहा। लेकिन बाद में जोसेफ को समझ आ गया था कि उसको जिंदा रहने के लिए अकेला ही सर्वाइव करना पड़ेगा। और जोसेफ ने जहां से मछली पकड़ने की शुरुआत की थी लगभग वहां से 10,000 किलोमीटर से भी दूरी पर मौजूद था, जो कि पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच में था। और जोसेफ सल्वाडोर अपने आप को भगवान के सहारे छोड़कर जैसे तैसे नाव में जिंदगी बचाने की उम्मीद कर रहा था। और इस दौरान जोसेफ ने अपने आसपास काफी सारे समुद्री जहाज देखे थे जिनसे वो संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता जो कि उसकी मदद करने के लिए आगे आ सके। और इस घटना के 14 महीने बाद 30 जनवरी 2014 को जोसेफ को एक आइलैंड दिखाई देता है। जब जोसेफ इस आइलैंड को देखता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो अपनी नाव से समुद्र में छलांग लगा देता है और तैर कर जैसे तैसे इस आइलैंड पर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो इस आइलैंड पर पैर रखता है तो बेहोश हो जाता है। जोसेफ के बेहोश हो जाने के कुछ देर बाद आइलैंड पर रहने वाले लोगों की नजर जोसेफ पर पड़ती है। जब वो लोग जोसेफ को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जोसेफ के शरीर की जो हालत थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और इस बारे में वो लोग पुलिस को जानकारी देते हैं। जब पुलिस आकर वहां पर देखती है तो जोसेफ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई होती है, उसके शरीर में सूजन आ जाती, उसके बाल कटे नहीं हुए थे तो जोसेफ की आंखों की रोशनी भी कम पड़ जाती। और इस घटना के 14 महीने बाद जब जोसेफ अपने घर वालों से मिलता है तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करता है, जो कि समुद्र में सर्वाइव करने वाला पहला इंसान बन गया जिसने 400 से भी अधिक दिन अकेले सर्वाइव किए थे, वो भी बिना कोई खाने पीने का सामान न होने के कारण। इतना सब हो जाने के बाद जब पुलिस की टीम जोसेफ सल्वाडोर को जोसेफ के घर लेकर जाती है तो जोसेफ के घर वाले जब जोसेफ को देखते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतने लंबे दिनों तक उन्होंने जोसेफ को ना ही देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। दरअसल जोसेफ जब अपने दोस्त के साथ मछली पकड़ने के लिए गया था तो उसके बाद जोसेफ कई दिनों तक घर नहीं लौटा था, जिसके बाद उसके माता पिता ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी और जोसेफ को कई महीनों तक लगातार ढूंढा गया लेकिन जोसेफ का कोई भी पता नहीं चला। तो उसके बाद जोसेफ के घर वालों ने जोसेफ को मृत घोषित कर दिया था। लेकिन
जोसेफ सल्वाडोर के लौटने के बाद सबसे ज्यादा खुशी उसके माता पिता और उसकी बेटी फातिमा को होती है क्योंकि जोसेफ की बेटी फातिमा छोटी थी और अपने नानी के घर जाकर रहने लगी थी और उसकी उम्र 14 साल ही थी।